बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिमों को मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती में गई थी, ऐसे ही मिलने गई थी अपने रिश्तेदारों से। उन्होंने बोला मुझे तो गैस भी मिली है, सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, श्रम भी मिला है। मैंने कहा सब तो तुम ही लोगों को मिला है, तो वोट भी बीजेपी को ही मिलना चाहिए। कुछ ना सारी मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है, श्रम कार्ड बना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मुस्लिम और हिंदू सब एक साथ चल रहे हैं। करने वाले तो इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, मगर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। भेदभाव के अब तो पता ही नहीं चलता है, हिंदू कौन निकल रहा है, मुस्लिम कौन निकल रहा है, हिजाब ऐसी चीज है, सब कोई बांध ही के निकल रहा है, तो किसको किसको मना करेंगे। मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पहन के जाना चाहिए, क्लासरूम में बैठना चाहिए? क्लासरूम में कभी भी कोई चीज अलाउड नहीं रही है। हाँ कैंपस के अंदर आप हिजाब में जा सकते हैं, मगर क्लासरूम में सब एक सा रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट है सब एक ड्रेस में और एक ही जगह पर बैठना है। ना उसमें जो है मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं रहता और सब एक लगता है कि एक पब्लिक है। और आम जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हिजाब क्लास के अंदर नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, क्योंकि हमारे जो यूनिफॉर्म है स्कूलों के, तो वो तो सबके सामने जाहिर होना चाहिए कि इसमें से कोई मोमडन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब एक है। ये कहा मोदी जी ने खाना ही खिला रहे हैं, बहुत है, दोनों 5 किलो अनाज बहुत मिल रहा है, पेट तो भर रहा है। आप ये सोचिए पेंशन दे रहे हैं, मेरे आदमी को 20 साल मरे हो गए और वो हमको पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो खा रहे हैं है, उन्हीं ने तो इतना तो किया। अब कौन सी सरकार ने जाते दरवाजे से भगा देते हैं, चलो जाओ, नहीं है। ये तो इतना कर रहे, महीने में 2 बार राशन दे रहे, खाना खा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, नहीं काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आलू खा रहे हैं, खिला तो रहे हैं कुछ। मोदी जी हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3 तलाक माफ करा के काम कर रहे हैं और हम लोग को भूखे रखने नहीं दे रहे। हमारे लिए मोदी सब कुछ है, हमारे लिए मोदी सब कुछ है और हम लोग जीते जी मरते मरते हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और उनको इस देश का विजय बनाएंगे।